हेलो एवरी वन ना वोलोनोमियस एक्सरसाइज फोर पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर टू यू वेल्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली मीन्स यू हैव टू यूज द आइडेंटिटीज टू फाइंड देयर प्रोडक्ट्स सो वन नॉट थ्री इंटू वन नॉट सेवन इज योर फर्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन यू स्प्लीट इट इट कैन बी रिटर्न एज हंड्रेड प्लस थ्री एंड हंड्रेड प्लस सेवन अभी आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो क्या है ये आइडेंटिटी फॉर्म हो रहा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच आइडेंटिटी वी कैन अप्लाई हियर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी मतलब क्या है आपका ये जो टेन 10, हंड्रेड है वो एक्स है ए थ्री और बी सेवन तो वी विल राइट द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी हियर ए एक्स इज हंड्रेड ए इज and the b is 7 now we have to substitute x square matlab hundred square plus a plus b matlab 3 plus 7 into 100 plus 3 into 7 this what we have done in this step we had substitute the values values for x a and b so now hundred square hundred square matlab 100, 100 into 100 so it is nothing but the 10,000 plus 3 plus 7 is 10. 10 into 100, 1000 plus 7 threes are 21. Now, the last step we have to add for the numbers. 10,000 plus 100 plus 21. So, our product answer will be 10,001. Sorry, 3 plus 7 is 10. टेन द टेन इंटू हंड्रेड विल भी थाउजेंड दिस नंबर विल बिकम एज थाउजेंड सो द आंसर इज लेवन थाउजेंड ट्वेंटी वन वी विल सी वंस अगेन हियर द सोल्यूशन सबसे पहले आपको क्या करना है नंबर्स को स्प्लिट करना है वन नॉट थ्री मतलब हंड्रेड प्लस थ्री यू कैन राइट वन नॉट सेवन यू कैन राइट हंड्रेड प्लस सेवन आफ्टर दिस यू हैव टू चेक विच आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल दोनों आपके फर्स्ट टर्म्स सेम है और ये वाले टर्म्स अलग हैं तो आपको आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी x प्लस ए इन एक्स प्लस बी तो x क्या है हंड्रेड a इज थ्री एंड द b इज सेवन तो हंड्रेड स्क्वायर टेन थाउजेंड थ्री प्लस सेवन यूल गेट टेन तो टेन को अगर हंड्रेड हंड्रेड से मल्टीप्लाई करें थाउजेंड थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन इफ यूल एड यूल गेट द 11,021। थाउजेंड ट्वेंटी वन अगर आप इसको वेरीफाई करना है मतलब आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर कर चेक कर सकते हैं यू विल गेट द आंसर है ट्वेंटी वन देन ओनली योर योल्यूशन विल बी करेक्ट फॉर दैट देन द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन यू आर द नंबर यू कैन स्प्लिट एज नाइन्टी प्लस फाइव एंड द नाइन्टी प्लस सिक्स तो फर्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग स्प्लिटिंग द नंबर्स नाइन्टी प्लस फाइव नाइन्टी प्लस सिक्स अभी यहाँ पे देखो नाइन्टी नाइन्टी सेम है तो ये वोला फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा सेम जो हमने फर्स्ट में यूज़ किया था यूजिंग एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी आपका एक एक्स कितना है यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है वो नाइन्टी ए जो पहले इसमें है फाइव बी जो सेकेंड्स में है सिक्स आप कंपेयर कर रहे हो इसको आप इसे कंपेयर करोगे ना तो आपको एक्स ए और बी की वैल्यू आएगी अभी आपको क्या करना है सब्सिट्यूट करना है एक्स स्क्वायर मतलब नाइन्टी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब फाइव प्लस सिक्स x मतलब अगेन 90 प्लस a इंटू बी मीन्स फाइव इंटू सिक्स लू कैटी नाइन्टी स्क्वायर मतलब 90 इंटू नाइन्टी एट थाउजेंड वन हंड्रेड फाइव प्लस सिक्स इज लेवन देन लेवन इंटू ये फाइव प्लस सिक्स होगा एलेवन तो इलेवन इंटू नाइंटी विल बिकम एज नाइन नाइंटी फाइव सिक्स थर्टी

वन नाट फोर इंटू नाइंटी सिक्स अभी हमने क्या करना है नंबर्स को पहले स्प्लिट करना है वो भी आपको सेम नंबर्स यूज करने हैं आपको यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो वी कैन राइट हंड्रेड प्लस फोर और यही नंबर्स को आप यूज़ करके नाइन्टी सिक्स भी लिख सकते हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड माइनस फोर आपको वन नाट फोर भी आ रहा और नाइन्टी सिक्स भी आ रहा अभी आप देखोगे तो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे सेम नंबर्स विद द डिफरेंट साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूजिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर योर ए इज येड बी इज फोर सब्स्टिट्यूट नाउ हो हंड्रेड स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर हंड्रेड स्क्वायर मतलब होगा टेन थाउजेंड माइनस सिक्सटीन

Hope it is clear for you. If you are having any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.